नौरोजाबाद तहसीलदार के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। तहसीलदार पंकज नयन तिवारी के नेतृत्व में स्कूली छात्र और छात्राओं की पैदल रैली निकाली गई। ये मतदाता जागरूकता रैली कुमार मंगलम विद्यालय से शुरू होकर नौरोजाबाद कस्बे का भ्रमण कर रैली का समापन पुनः कुमार मंगलम विद्यालय में किया गया। जागरूकता रैली में स्कूली छात्र और छात्राओं के द्वारा नारे भी लगाए गए, जैसे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तहसीलदार नौरोजाबाद ने हमारे संवाददाता को बताया कि 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिन युवाओं की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, जो कर्मचारी यहाँ पर स्थानांतरित होकर आए हैं और जो भी नवविवाहिता यहाँ शादी कर आई है, संबंधित मतदान केंद्र में जाकर या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से अपना नाम जुड़वाएं। जो अधिकारी और कर्मचारी जो युवा बाहर चले गए हैं और जिन बेटियों की शादी अन्यत्र जगह हो गई है, सभी लोग यहां से अपना नाम मतदाता सूची से विलोपित कराएं। तहसीलदार नौरोजाबाद पंकज नयन तिवारी ने बताया कि हमारी यह मतदाता जागरूकता रैली और कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा। सभी मतदाता बंधु आगे आए और अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं या फिर विलोपित कराकर हमारे इस अभियान के सहयोगी बने। आपके द्वारा जो आज ये मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम इस रैली के माध्यम से अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, मतदाताओं को निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जो अभी शासन के द्वारा, आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है, जो आज 9 नवंबर से प्रारंभ होकर के और 9 दिसंबर तक चलेगा, इसमें समस्त 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता जो हमारे क्षेत्र में नए मतदाता आए हैं, चाहे वो सेवा कारणों से आए हैं, चाहे वो विवाह होकर के नौवधियों वधु आई हैं, इन सब का नाम जोड़ना है। और साथ ही इसके समानांतर में जो व्यक्ति यहाँ से विस्थापित होकर के अन्यत्र जा चुके हैं, बहुत हो गए हैं, इन कारणों से उनका नाम विलोपित करके और 100% मतदाता सूची को हमको अपडेट करना है। 9 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति संबंधित मतदान केंद्र के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसकी जांच करके हम लोग दिसंबर के अंतिम तक कंप्लीट जांच करके हमको ऑर्डर पास करके उनके नाम अपडेट कर देना है। 5 जनवरी आगामी वर्ष में हमको अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। अब हम विभिन्न माध्यमों से, साइकिल रैली के माध्यम से या पैदल रैली के माध्यम से, अभी आने वाले समय में हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और गांव के और उस ग्राम पंचायत, वार्ड, नगरी निकाय के जहां भी ऐसे मतदाता जो विस्थापित हो चुके हैं या किन्हीं कारणों से वो मतदाता नहीं रह गए हैं, उनके नाम पृथक कराएँ। यही अभियान हमारा निरंतर 5 जनवरी तक चलता रहेगा। आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आपके क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के नाम नहीं जुड़े हैं, कृपया संज्ञान में लाएँ, संबंधित को हमारे मतदान केंद्र में भेजें और नाम जुड़वाने के साथ सहयोग करें हमारे शासन प्रशासन के लिए, ताकि हमारी सूची 100% शुद्ध हो सके। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।